हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके बायोलॉजी। इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियो फॉर फर्स्ट टाइम देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइस, द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है आज की वीडियो में हम जानेंगे। सो गाइस, चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको कुछ मेन बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है गाइज, ठीक है, वो दो नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सिस्टम है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड जो सेकंड है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है जो कि आपकी डोर्सल बॉडी कैविटी के अंदर लोकेटेड होती है। ओके, एंड अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी नर्व्स आती हैं, ठीक है, जो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। जो ब्रेन से निकलती हैं नर्व्स, उनको हम क्या कहते हैं, आपकी क्रेनियल नर्व्स। एंड जो नर्व्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ओके, इन नर्व्स का काम क्या है गाइस, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं, इन नर्व्स का काम क्या है, ये क्या करती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और अदर बॉडी पार्ट है इनके बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क को फॉर्म करती हैं। ठीक है, इनके बीच में कम्युनिकेशन का रोल प्ले करती है कौन, ये आपकी नर्व्स। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये था। तो गाइज, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया है, बेसिक समझ में आया है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या है। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, ओके, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है मैंने अभी बताया आपको, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से डिवाइड हुआ है। ठीक है, एक आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसमें आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं स्केलेटन मसल को। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, आपके स्केलेटन मसल को कौन स्टिमुलेट करेगा, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, इसी तरह आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें आपके जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो किसको कंट्रोल करते हैं, वो आपके स्मूथ मसल्स को, कार्डिक मसल्स को और ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं। ओके, आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया है। जो आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो तो आपके स्केलेटन मसल को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, बट आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो मोटर न्यूरॉन्स है वो किन को करेंगे स्टिमुलेट, कंट्रोल करेंगे, स्मूथ मसल्स को, कार्डिक मसल्स को एंड ग्लैंड्स को। ओके, ये आपका क्या था, नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बीच में छोटा सा डिफरेंस। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, इसका एक और फंक्शन है गाइस, ये मॉनिटर करता है, ध्यान देखो, ये मॉनिटर क्या करेगा, कुछ विसरल ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स को जो आपके किसके साथ होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ होती हैं। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करवाती हैं, इनपुट इन्फॉर्मेशन फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, में आपकी जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो मॉनिटर करती हैं विसरल ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स को। ठीक है, और ये इनका काम क्या है, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है, देन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको हमने फिर फर्दर डिवाइड किया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनको भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है गाइज, ये एक ऐसा नर्वस सिस्टम है तब वर्क करता है जब बॉडी को प्रिपेयर करना हो किसी ऐसी सिचुएशन के लिए जिसमें अलर्टनेस की जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जिसमें फियर अरोज होता है, मतलब फियर आता है, जब एंगर आता है हमें, एक्साइटमेंट होती है या एम्बेरेसमेंट होती है। ठीक है, तब ये सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम वर्क करता है। ओके, जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और जो ये सिचुएशन है जिसमें ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। ओके, आप ध्यान रखना, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये कब काम करता है, ठीक है, ये इसका काम तब होता है जब हम, ठीक है, हमें अलर्टनेस की जरूरत है। ठीक है, अगर हमें अलर्ट होना है किसी चीज़ से, हमारे में लगता है कि कोई डेंजर है, ठीक है, हमारे आसपास, तो हमें अलर्ट होने के लिए हमें जो हेल्प करता है नर्वस सिस्टम वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, और जो आपका फियर अराइज होता है, ठीक है, आपको किसी से डर लगता है तब भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, आपको गुस्सा आता है तब भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, रोल प्ले करता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, मेन आपको याद रखना है फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। ठीक है, ओके,
नेक्स्ट जो आपका सेकंड था पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है? ठीक है, इसका काम क्या है, ये कब एक्टिव होता है गाइज? ये जब आपका डाइजेशन होता है फूड का तब एक्टिव होता है, और जब आप जब रेस्ट में होते हो, रेस्ट कंडीशन में होते हो, आराम करते हो, तब ये एक्टिव होता है। कौन? पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम तब आप फाइट करते हो या फ्लाइट मोड होता है आपका, ठीक है, ऐसी सिचुएशन जैसे एंगर फियर तब एक्टिव होता है। बट जो आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये आपके डाइजेशन के टाइम पे, आप जब रेस्ट कर रहे हो उस टाइम आपका वर्क करता है। ओके, इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन एंजाइम। ठीक है, इसका और क्या काम है, ये डाइजेशन एंजाइम को के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ओके, एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और डाइजेशन को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। उसके साथ साथ ये यूरिनेशन को भी स्टिमुलेट करता है, और डिफिकेशन को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। डिफिकेशन मतलब आपका जो फिकल मेटेरियल आपकी बॉडी से बाहर जाना है, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, मेनली इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, ठीक है, और हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट्स। ठीक है, जो ये पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या कर देगा, ब्लड प्रेशर को, हार्ट को और रेस्पिरेटरी रेट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वहाँ पर आपकी ये तीनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और रेस्पायर रेट, ये तीनों क्या होती हैं, वहाँ पर इंक्रीज होती है, और यहाँ पर ये रिड्यूस होती है, मतलब डिक्रीज होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, कंजर्व एनर्जी थ्रू रिलैक्सेशन एंड रेस्ट, और ये एनर्जी को क्या करता है, कंजर्व करता है, बचा के रखता है। और आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, वहाँ पर आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एनर्जी कंजर्व होगी। ओके, आई होप आपको ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम समझ में आ गए होंगे। सो गाइज, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको गाइज कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके,